नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में प्रतिदिन 72,000 बच्चे रोज जन्म लेते हैं और लगभग 24,000 जो हैं लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जी हाँ, 72,000 और 24,000, यानी कि 24,000 में से यदि हम 72,000 में से 24,000 को कम भी कर दें तो लगभग 47,000 जो हैं बच्चे हमारी आबादी में रोजाना शुमार हो जाते हैं और साल के अंत तक लगभग 2.25 करोड़ की आबादी हमारी कुल आबादी में शुमार हो जाती है, जुड़ जाती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो 24,000 लोग प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इनके दाह संस्कार के लिए लगभग पूरे वर्ष में 5 से 6 करोड़ वृक्ष जो है काटे जाते हैं। और किसी भी देश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम 33% वन क्षेत्र का होना आवश्यक है। और आज़ादी के बाद से लगातार जिस तरह से हमारे देश में जो है वन क्षेत्र कम हुआ है, आज मात्र जो है 20% हमारा वन क्षेत्र बच गया है। तो और इनमें से जो 24,000 लोग रोज मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मैं बताना चाहता हूँ इनमें से अधिकतर लोग वो होते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक भी वृक्ष नहीं लगाया होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पर्यावरण का नुकसान है वृक्षों का कटना। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम जो है हम लोग अपने पूरे जीवन काल में एक वृक्ष को तो लगाएं। सभी व्यक्ति जो है, चाहे आप पार्क में लगाएं, रोड साइड पर लगाएं, खेतों में लगाएं, जहां भी आपको स्थान मिलता है वहां पर आप एक वृक्ष जरूर लगाएं और कम से कम फलदार वृक्ष लगाएं, ताकि हमारी जो विलुप्त होती पक्षियों की प्रजातियां हैं या फिर वो बच्चे, जो गरीब बच्चे जिन्हें खाने को फल नसीब नहीं होता, उनको भी फल खाने को मिले। मैं अपनी हमारी जो अथॉरिटीज़ है, मैंने देखा है तमाम तरह के विदेशी पेड़ ला करके वो देश में लगा देते हैं। तो उन विदेश जिनका कोई तात्पर्य नहीं है, जिनका कोई जो है वो फ़ायदा नहीं होता है, तो यदि हम फलदार वृक्ष लगाएं, अपने जो नेटिव प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, आम है जैसे या फिर जामुन है, इस तरह के पेड़ लगाएं, फलदार बेर है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जो है हमारे पर्यावरण की समस्या का समाधान हो सकता है। तो इस संदेश के साथ मैं इजाज़त देता हूँ, फिर मिलूँगा किसी नए संदेश के साथ।